हे गाइस, आजकल प्रिंटर का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए हो या फिर अपने बिजनेस के लिए हो। और जब बात आती है एक प्रिंटर की, तो हमारे सामने एक ही ब्रांड आता है जिसपे हम सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, जो कि है HP। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, HP एक वेल नोन ट्रस्टेड ब्रांड है जिसके प्रिंटर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। HP के प्रिंटर जाने जाते हैं अपने स्पीड, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप प्रिंटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपके ऑफिस में प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रिंटर चाहिए जो आपको स्पीड दे, साथ में यहाँ पर आपको क्वालिटी भी दे। इसके अलावा यहाँ पर आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि प्रिंटर में कई बार कार्ट्रिज की प्रॉब्लम होती है या फिर कई बार टोनर भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए HP ने मार्केट में नए प्रिंटर लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर। HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर ये एक कार्ट्रिज फ्री सॉल्यूशन है जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं स्मार्ट लोगों के लिए जो स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर एक स्मार्ट यूज़र हमेशा अपने बिजनेस के लिए एक स्मार्ट प्रिंटर का इस्तेमाल करेगा। दैट्स वाई HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर ये एक स्मार्ट प्रिंटर है और ये आपके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट प्रिंटर कहलाता है। अब आप सोच रहे हैं, यार आखिर ऐसा क्या खास है HP के इस नए नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर में और ये आपके बिजनेस के लिए क्यों बढ़िया है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट को 80% रिड्यूस कर देगा, यानी कि कम कर देगा। यही नहीं, साथ में यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंटिंग क्वालिटी होगी वो भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। नंबर 2, इट रिड्यूस प्रिंटर इंटरवेंशन, जो कि कमाल की बात है। यहाँ पर आप सिंपली अराउंड 5K पेजेस को रिफिल कर सकते हैं और ये इजिली रिलोड भी हो जाता है 15 सेकेंड में, जो कि आपके टाइम को काफ़ी बचाता है। नंबर 3, यही नहीं, यहाँ पर आप HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर को अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिस ऐप का नाम है HP स्मार्ट ऐप, और इस ऐप के थ्रू आप अपने न्यू HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और कमांड दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि HP के जो ये न्यू लेज़र टैंक प्रिंटर है, इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। जी हाँ, यहाँ पर आपको पड़ती है करीब 29 पैसे पर पेज, जो कि अगर कंपेयर करें अगर हम दूसरे प्रिंटिंग कॉस्ट से, तो ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पर बात है, आपको कम पैसे में यहाँ पर बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी मिल रही है, साथ में यहाँ पर आपको स्पीड भी मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये खास करके स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिजनेसमैन के लिए। प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर HP नेवर स्टॉप लेज़र 1000 सीरीज़ की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 15,846 रुपये से, जो कि है नॉन वायरलेस प्रिंटर के लिए। और यहाँ पर वायरलेस के लिए यहाँ पर करीब इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 17,236 रुपये। दूसरा है यहाँ पर HP नेवर स्टॉप लेज़र MFP 1200 सीरीज़, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 22,057 रुपये नॉन वायरलेस प्रिंटर के लिए। और वायरलेस के लिए यहाँ पर इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 23,460 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें HP नेवर स्टॉप लेज़र टोनर रीलोड किट की, तो इसकी जो प्राइस है वो है 849 सिंगल पैक के लिए, और डबल पैक के लिए जो प्राइस है वो है 1449। अब यहाँ पर जब भी आप एक प्रिंटर खरीदते हो तो आपके मन में दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक आता है लेज़र टैंक प्रिंटर और दूसरा आता है इंक टैंक प्रिंटर। और यहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर में लेज़र टैंक प्रिंटर आपको क्यों खरीदना चाहिए, क्यों आपको लेज़र टैंक प्रिंटर को चूज़ करना चाहिए ओवर द इंक टैंक प्रिंटर। नंबर 1, स्पीड। वेल, प्रिंटर में स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हमें प्रिंट बहुत ही जल्दी चाहिए होता है, अगर ज़्यादा टाइम लगाता है तो ऐसे में हमें लगता है कि प्रिंट बेकार है, स्लो है। तो यहाँ पर अगर स्पीड की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर जो लेज़र टैंक प्रिंटर है वो स्पीड के मामले में इंक टैंक प्रिंटर को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। जी हाँ, लेज़र टैंक प्रिंटर काफ़ी फास्ट होते हैं और ये बेस्ट होते हैं बल्क में प्रिंटिंग करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर अगर आप इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जबकि यहाँ पर आप लेज़र टैंक प्रिंट से अगर प्रिंट करते हो तो यहाँ पर आपको जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिंटिंग है वो ईजिली कर सकते हैं यहाँ पर लेज़र टैंक प्रिंटर के अंदर। इसलिए यहाँ पर बिजनेस के लिए जो लेज़र टैंक प्रिंटर है वो काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। वेल, जो इनिशियल कॉस्ट है वो लेज़र टैंक प्रिंटर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है इंक टैंक प्रिंटर के मुकाबले। यानी इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट में जो इंक टैंक प्रिंटर है वो थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं लेज़र टैंक प्रिंटर के मुकाबले। लेज़र प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ही कम पड़ती है। नेक्स्ट है क्वालिटी।
वाला हम सभी लोग जानते हैं कि प्रिंटिंग में क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्स्ट क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो लेजर टैंक प्रिंटर होते हैं इनकी जो टेक्स्ट क्वालिटी होती है इनका कोई मैच नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर लेजर टैंक प्रिंटर की जो टेक्स्ट क्वालिटी होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है और यहाँ पर इंक टैंक इसे कभी भी मैच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब बात आती है टेक्स्ट क्वालिटी की, यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया चाहिए यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो लेजर टैंक प्रिंटर है वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यही नहीं, यहाँ पर आपको इंक टैंक प्रिंटर और लेजर टैंक प्रिंटर के बीच में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पर इंक टैंक प्रिंटर में यहाँ पर जो इंक होती है वो गीली होती है, इसलिए यहाँ पर प्रिंटिंग करते वक्त जो प्रिंटिंग है वो ख़राब होने की संभावना होती है, क्योंकि जो इंक होती है इंक टैंक प्रिंटर में वो गीली होती है। जबकि वहीं पर अगर हम इसे कंपेयर करें लेजर टैंक प्रिंटर से, तो यहाँ पर जो इंक होती है वो ड्राई होती है, तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो ख़राब होने की संभावना नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंस है इंक टैंक प्रिंटर और लेजर टैंक प्रिंटर के बीच में। तो यहां पर ओवरऑल अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो यहां पर आपको जो लेजर टैंक प्रिंटर है वो बढ़िया जरूर लगेगा। यहां पर लेजर टैंक प्रिंटर में आपको जो क्वालिटी है, जो यहां पर आपको स्पीड है, जो कॉस्ट है पर प्रिंटिंग, वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो यहां पर एक बिजनेसमैन के लिए क्या जरूरी होता है, यहां पर कॉस्ट, स्पीड और साथ में यहाँ पर क्वालिटी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लेजर टैंक प्रिंटर में देखने को मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी आप बिजनेस कर रहे हो, उन सभी के लिए अगर आपको प्रिंटर यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको हमेशा लेजर टैंक प्रिंटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो या फिर अपने घर के लिए कभी कभार प्रिंटिंग करते हो, तो यहाँ पर आप इंक टैंक प्रिंटर के साथ जा सकते हो। वैसे आप कौन सा प्रिंटर यूज़ करोगे, इंक टैंक या फिर लेजर टैंक, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो, अभी सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करके मुझे सवाल पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।